ऐसे अनुभव बहुत कम मिलते हैं। रियलिस्टिक प्ले है और चूंकि रियलिस्टिक प्ले इसलिए अभिनय बहुत सशक्त होना चाहिए जो हमको देखने को मिला। सभी की एक्टिंग बहुत शानदार थी। आखिर तक ऐसे नाटकों में एक्साइटमेंट बना रहा तो अच्छा रहता है। ये डायरेक्शन की कमाल होती है कि जो भी रियलिस्टिक फॉर्म का ड्रामा यहाँ पर था उसको जो डायरेक्टर ने ट्रीटमेंट दिया वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट थी क्योंकि वो योग्य थी। वैसी ट्रीटमेंट यदि डायरेक्टर नहीं देता तो फिर रियलिस्टिक नाटक थोड़ा कठिन हो जाता है। तो जो नाटक की आवश्यकता थी और जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी उसके मुताबिक यहाँ पर सारे कंपोजिशन सबको देखने को मिले। जबकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेज प्रॉपर्टी का बहुत सारा उपयोग किया ऐसा नहीं है। एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड ऐसा एक एक्टिंग एरिया डिसाइड करके और फिर उसका उसको मंचन करना और फिर उस मुताबिक कंपोजिशन बनाना बहुत कठिन होता है। और एक क्रिएटिव बात थोड़ी देखने को मिली कि हम लोग प्रोसीडियम थिएटर में सिर्फ प्रोसीडियम का उपयोग करते हैं, उसके अंदर ही नाटक करते हैं। क्योंकि शायद डायरेक्टर यहाँ आने के बाद में सोचा होगा कि मेरा एक आर्टिस्ट वहां से आएगा तो ये क्रिएटिविटी ऐसा उनको नहीं मालूम था यहाँ पे दरवाजे यहाँ से आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो कैरेक्टर मैं ला रहा हूँ ये बाहर से कैरेक्टर है, बाहर का कैरेक्टर है, इसलिए उसको बाहर से लाया उन्होंने अंदर और उसको बाहर ही भेजा बाद में। तो ये रहता है वो तो डायरेक्टर अलग ढंग से सोचते हैं। जो अवेलेबल स्पेस है उस स्पेस का सही ढंग से बहुत प्रॉपर उपयोग कोई भी डायरेक्टर करता है और उसके मुताबिक एक्टर्स काम करते हैं। तो बधाई डायरेक्टर को भी और बधाई आर्टिस्ट को भी। बहुत शानदार अभिनय है। तालमेल जो आपका था, जो आपको इनम जो आपने था वो बहुत सराहनीय था। थैंक यू वेरी मच।